पाकिस्तान स्थित ननकाना साहब पर हुए हमले के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता बीते बुधवार की देर शाम सड़कों पर उतर आए और फरीदाबाद की एक नंबर मार्केट स्थित गुरुद्वारे के सामने पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। ये प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके और पाकिस्तान सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विभाजन के समय भी पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्याओं पर अत्याचार किए गए थे जो आज भी जारी हैं, जिसको देखते हुए नागरिक संशोधन बिल लाया गया ताकि पीड़ित और प्रताड़ित अल्पसंख्याओं को भारत में नागरिकता मिल सके। ननकाना साहब में जो अल्पसंख्यक समाज है, हमारे जो हिंदू सिख भाई हैं और गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर ननकाना साहब पर जो हमला हुआ है, जो ये इन्होंने अपनी सीरत और सूरत दिखा दी है मुसलमानों ने, और हम तो ये CA का जो कानून आया है, जो वहाँ से अल्पसंख्यक समाज तंग होकर प्रताड़ित होकर यहाँ आता है, ये देख लो यहाँ पर प्रेस कॉलोनी में यहाँ रह रहे हैं, पीछे आपने देखे होंगे, और ये मेट्रो के सामने भी रह रहे हैं। हम इन बंधुओं की सहायता बहुत करते हैं और ये प्रताड़ित होकर अपनी जमीन जायदाद मकान सब कुछ छोड़कर धर्म के लिए यहाँ पर रहे हैं, क्योंकि इनको कहा गया था या तो तुम मुसलमान बन जाओ, अपनी बेटियाँ हमें दे दो और नहीं यहाँ से भाग जाओ। ये सब कुछ वहाँ छोड़ कर आए और बेचारे भिखारियों की तरह रहने लग रहे हैं यहाँ पर। तो आज हमने ये योजना बना के कराया कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर पत्थरबाजी करी गई है और उसको कहा है कि यहाँ पर मस्जिद बनाई जाएगी, उस प्रकार आज से 150 साल पहले भी हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को भगाया गया, खदेड़ा गया और उनके मंदिरों को तोड़ा गया था। जहाँ जब देश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान के अंदर 22% हिंदू आबादी थी, जो आज 2011 की जनगणना के अनुसार 1% से भी कम रह गई है, और यहाँ पर मुसलमानों की उस वक्त 6% आबादी थी, जो आज बढ़कर 25 से 30% पहुँच चुकी है, और ये गजबा हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान दूसरा नहीं है, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से अलग हुआ, उसका पूर्ण द्वारा भी सब गुरु बनेगा भारत और अखंड भारत, भारत को हम बढ़ा के रहेंगे। जिस प्रकार की घटना कर रहे हैं बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।